ब्रदर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फालूदा, वो भी 15 मिनट में। उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, हमने 1.5 कप कॉर्नफ्लोर लेना है, 1.5 कप हमें वाटर चाहिए, 1 पिंच हमें सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून हमें शुगर चाहिए, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हमें कोई से भी बर्तन लेना है, वो बड़ा सा हो। इसके बाद हम लोग इसमें शुगर और सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप हम लोग पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसके बाद हम इसको आंच पे रखेंगे। अब हम लोग इसमें आंच जला लेंगे। अब हम लोग 5 मिनट के इसी तरह इसको धीमी आंच पे चलाते रहेंगे, तब तक ये गाढ़ा ना हो, तब तक इसको चलाते रहेंगे तब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए इसका कलर। इसको धीमी आंच पे चलाते रहेंगे, तेज आंच पे नहीं करेंगे, तो जेली जैसा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको एक बोतल में डालेंगे। ये हमने एक ठंडा पानी रख लिया बर्फ वाला, ये इसे डालते हैं हम लोग। अब हम इसको डालना शुरू करते हैं। अब हम लोग अपनी जेली बनाने की तरफ चलते हैं। हमने 1 कप पानी लिया, स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट लिया हमने। सबसे पहले हम लोग पतीली में पानी डाल देंगे और जेली का पैकेट खोल करके इस पतीली में डाल देंगे। ये हमने 1 कप पानी में ये पूरी जेली का पैकेट हम लोग डाल देंगे। तब तक इसको पकाएंगे जेली को, तब तक इसमें बॉयल ना हो जाए। धीमी आंच पर पकाना है हमें जेली को, चलाते चलाते इस तरह से। हमारी जेली एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसको एक बॉल में निकाल करके 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग ने एक वनीला आइसक्रीम ली है, जिसका रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमें सेवैया लेनी है, ये हमें रोबस्टा लेना है, 2 वेफर्स लेने हैं, ये हमें पिस्ता लेना है, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हमने बादाम लिया, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। चेरी बनाई थी, उसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ये हमारे पास फ्रूट कॉकटेल है। ये हमने तुक मलंगा लिया था, हमने 1-2 मिनट इसको फुला लिया था, इस तरह से ये फूल गया है। अब हम लोग इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें रोबस्टा लगा देंगे साइडों में इस तरह से। अब हम लोग ये सेवैया डाल देंगे अंदर। अब थोड़ा सा इसमें रोबस्टा दोबारा डालेंगे हम लोग। अब हम लोग इसमें तुक मलंगा डाल देंगे। अब हम लोग थोड़ी सी जेली डाल देंगे इसमें। अब हम लोग मिक्स फ्रूट इसमें थोड़ा थोड़ा से डाल देंगे। अब हम वनीला आइसक्रीम डाल देंगे। अब हम लोग वेफर्स लगा देंगे इसमें। तो ये हो गया भाई हम लोग का फालूदा तैयार। तो हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाकर फॉलो कर लें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ की आप लोग तक अपडेट आ सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।